सर, ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या वजह थी कि आप कांग्रेस और एकदम से बीजेपी में भी ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसी क्या वजह थी सर? मैं आपको बता दूं कि आप लोग कल शायद वहाँ मौजूद थे या नहीं मौजूद थे, तो अध्यक्ष जी ने साफ तौर पर ये बात बोली, पृथ्वीराज चौहान जी ने, कि हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी की जो नीतियाँ हैं जीरो टॉलरेंस के ऊपर, उससे प्रभावित होकर और जो उनके निर्णय हैं, जो आज वो उत्तराखंड को, जिस लिए उत्तराखंड बना था, आज वो जो निर्णय ले रहे हैं उनसे प्रभावित होकर आज हम लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कराया। सर, खबरें भी ये भी आ रही है कि बहुत दिन से अंतर कलह चल रहा था कांग्रेस की वजह से, क्योंकि अभी वर्तमान में जो महानगर है उनसे कहीं ना कहीं कुछ पृथ्वीराज सिंह बन नहीं रहा था, तो ये भी एक वजह है। अब मैं किसी के लिए ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलूँगा, जो सब चीज़ें हैं वो सब सामने आ जाएंगी समय के साथ, और जब समय के साथ हर चीज़ें सामने आती है तो हर आदमी को हर चीज़ पता चल जाती है, इसलिए मैं किसी के बारे में ज़्यादा नेगेटिविटी में नहीं बोलूँगा। अब हमने आगे पॉजिटिविटी के लिए कदम बढ़ाया है और इस पॉजिटिविटी को लेकर के अब हम आगे अपने कदम बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करेंगे तन मन धन से सब चीज़ें लगा करके। क्योंकि अगर देखा जाए कि अगर ये भी है कि अगर वहाँ पे पद मिला तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से अभी तक कोई पद नहीं दिया गया है, देखो काम दोनों बराबर हम हो गए। हमारा तो एक ही विषय है, चाहे वहाँ थे या थे, अपने काम से लोगों का दिल जीतना। हम पहले भी समाज में काम करते थे, आगे भी करेंगे, जिस प्रकार से पहले कर रहे थे उस प्रकार से आज भी करते रहेंगे, लोगों के दिलों में जिस प्रकार से हम पहले थे आज भी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जनता के लिए काम कर रहे हैं तो हमें ये पदों के लिए नहीं सोचना चाहिए, पद तो आने जाने हैं, आज कुर्सी पे कोई बैठता है कल नहीं है या है, लेकिन आप जनता के लिए अगर सोचते हो, जन भावनाओं को देखते हो, तो फिर आप इन चीज़ों पर विचार नहीं करना चाहिए। आज हम जन भावनाओं को देखते हुए जो हम आज ये निर्णय हुआ है, जिस तरीके से आज हम लोगों ने इस निर्णय को प्रवान चढ़ाया, तो हम इससे हमारा केवल और केवल यही है, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान जी हो चाहे वो मेरा हो, कि हमने सिर्फ जनता के लिए समर्पित है और सदैव जनता के हितों के लिए कार्य करते रहेंगे। सर, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं आप, तो आपके साथ और कितने लोग बीजेपी में ज्वाइन? देखिए, लगभग लगभग मेरे साथ 90% से ऊपर बाजार जुड़ा हुआ है जी आज की डेट में, और लगभग लगभग अगर मैं गया हूँ तो मेरे साथ वो 90% लोग सारे के सारे आज बीजेपी में ही हैं, क्योंकि वो व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं व्यापारी व्यापार मंडल से जो जुड़ा होता है। तो जहाँ अध्यक्ष, कल मैं कांग्रेस में था तो वो मेरे साथ जब जुड़े तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत 2-4 10% 50-20% 30% कहीं ना कहीं वो अगर मेरे साथ जहाँ भी थे तो वो कहीं ना कहीं 2-4 10-20-30% जुड़े हुए थे कांग्रेस से भी, लेकिन मैं आज बीजेपी में गया हूँ तो आज आप ये समझेगी वो लोग भी सब मेरे साथ खड़े हैं आज की डेट में भी। तो व्यक्तिगत रूप से जो जो लोग हमारे साथ गए हैं वो काफ़ी संख्या में हैं। सर, अगर पर्सनल आपकी बात करी जाए, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, अगर पहले से देखा जाए तो बीजेपी में कई वरिष्ठ नेता हैं जो व्यापार दूसरे व्यापार एक समिति बना करके उनके अध्यक्ष हैं, जैसे अनिल गोयल जी की बात की जाए, चाहे आपका उमेश अग्रवाल जी की बात की जाए, तो उन्होंने भी उनका भी काफ़ी पकड़ है, काफ़ी बाजारों में पकड़ है, व्यापारियों में पकड़ है, तो सर ऐसा नहीं लगता कि आपके भविष्य में कुछ सवाल खड़े हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना काम करेंगे और वो बड़े भाई हैं हमारे, हम उनके साथ सहयोग रखेंगे, और हर कोई आदमी अपने अपने काम से, मैंने आपसे पहले भी बोला, जाना जाता है, हम अपना काम करते रहेंगे, वो हमें वो लोग भी उनका सहयोग प्राप्त होगा जो अभी तक नहीं हो रहा था, तो इससे कहीं ना कहीं अच्छाई होगी, मेरे ख्याल गलत कुछ ऐसा होना नहीं है इससे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा ही है जो कुछ हुआ है। सर, आगे की क्या रणनीति रहेगी? बस जनता के लिए जो जो भी अच्छे कार्य होंगे वो करेंगे, जो कार्य छूट गए थे वो अब करने की कोशिश करेंगे, और जन भावनाओं में जिस प्रकार से हम लोग पहले थे और कार्य कर रहे थे आज भी आगे भी वैसे ही कार्य करते रहेंगे।